नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में कासगंज के सोरो थाना क्षेत्र के गांव रफायतपुर में तड़के बारिश के कारण एक पुराने मकान का लेंटर गिर गया। लेंटर के मलबे में दबकर वृद्ध महिला की मौत हो गई। जब लेंटर गिरने की आवाज सुनाई दी तो सभी लोग एकत्रित हो गए। शोर शराबा मचा तो अन्य ग्रामीण मौके पर आ गए, मलबा हटाकर वृद्धा को बाहर निकाला, लेकिन तब तक वृद्धा की मौत हो चुकी थी। 67 वर्षीय वृद्धा सूरजवती की मौत से परिवार में चित्कार मच गया। वृद्धा का पुत्र भी घर पर नहीं था, वो बच्चों और बहनों के साथ पूर्णागिरी माता के दर्शन करने गया था। ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर मलबा हटाने में मदद की और घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने वृद्धा के शव का पंचनामा करके पोस्टमार्टम कराया है। वहीं तहसील से भी टीमें मौके पर पहुंची। इसके बाद सीओ अजीत चौहान और तहसीलदार अजय कुमार ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। तहसीलदार अजय कुमार ने बताया कि वृद्धा के आश्रितों को नियमानुसार आर्थिक सहायता दी जाएगी। वृद्धा सूरजवती के साथ ही उनकी पुत्रवधू शीला देवी भी कमरे में सो रही थी, लेकिन घटना से 10 मिनट पूर्व ही वे कमरे से किसी कार्य के लिए बाहर निकल आई थी, तभी ये हादसा हो गया। इस हादसे में पुत्रवधू का बाल बाल बचना चर्चा का विषय बना हुआ है। कासगंज से हमारे संवाददाता केशव आचार्य गोस्वामी की रिपोर्ट। हमारे फेसबुक पेज को लाइक, फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।